मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला के साथ पांच युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला कनाड़िया क्षेत्र का है, तो वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल महिला संबंधित अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी के तहत एक पीड़िता द्वारा पूरे मामले में कनाड़िया थाने पर गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित को जून माह में आरोपियों द्वारा अपहरण किया गया था और उसके बाद पांच आरोपियों द्वारा उसके साथ गैंगरेप किया गया था। पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़िता ने पुलिस विभाग में शिकायत भी की थी। तमाम जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने पीड़िता के अनुसार प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश में शुरू कर दी है। थाना कनाड़िया में एक गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें कि फरियादिया के द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि पांच लोग हैं, जिसमें कि स्क्रैप व्यापारी है, उसके साथ अन्य लोग हैं। इनके द्वारा उसके साथ एक जगह पर ले जाकर और वहाँ पर पार्टी की थी और वहाँ पर उनके साथ गलत काम किया गया था और असली हरकत भी की गई थी और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धारा के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें सच जुटाए जाएंगे, उसके बाद ही आवेदनिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इस तरह की बात सामने नहीं आई है, पर जो पाँच आरोपी के जो नाम लिखाए गए, अभी इन्वेस्टिगेशन सब तथ्यों को ले रहे हैं। इसमें ऐसा भी पता चला कि पूर्व में भी एक इसमें FIR हुई है, तो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाकर आवेदनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट के माध्यम से पूरे मामले में FIR हुई है, क्योंकि थाने पर जब शिकायत लेकर गई पीड़िता तो पुलिस ने किसी तरह की कोई शिकायत सुनी नहीं, उसके बाद इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज हुआ थाने पर से, कोर्ट के आदेश में थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ। ये अभी तो FIR रजिस्टर की गई है, थाना कनाड़िया में रजिस्टर की गई है। इसमें FIR गैंगरेप का मामला है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।